डरो मत का नारा बुलंद करने वाले राहुल गांधी 2024 चुनाव में डरे हुए हैं, ऐसी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी कही जा रही है। और अभी कांग्रेस के द्वारा अमेठी और रायबरेली सीट पर औपचारिक घोषणा कर दिया गया है कि कौन कैंडिडेट बनेंगे। और आप ये लिस्ट देखिए, इस लिस्ट में रायबरेली से राहुल गांधी उम्मीदवार बन रहे हैं, अमेठी सीट उन्होंने छोड़ दिया है, किशोरी लाल शर्मा वहां से उम्मीदवार बन रहे हैं। आपको बता दें कि रायबरेली और अमेठी ये ऐसी सीटें रही है जो कि गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है, यहां से गांधी परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव लड़ते रहा है। अमेठी सीट को लेकर बता दें, 2004 में जब राहुल गांधी राजनीति में आए, 2004 से लेकर 19 तक अमेठी से ही चुनाव लड़े, हालांकि 2019 में स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया। और अब देखिए कि राहुल गांधी इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने अमेठी सीट को टाटा बाय बाय कर दिया। गांधी परिवार ने ही अमेठी सीट को टाटा बाय बाय कर दिया, क्योंकि वहां से गांधी परिवार का कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ है। राहुल गांधी भी रायबरेली आ गए, जो उनकी माँ की परंपरागत सीट रही है, और सोनिया गांधी अब राज्यसभा की मेंबर है राजस्थान से। आपको बता दें कि आज ही प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया है जो कि राहुल गांधी के उम्मीदवारी को लेकर ही है। राहुल गांधी ने अमेठी सीट छोड़ दी, कांग्रेस ने उन्हें रायबरेली से चुनावी मैदान में उतारा है। अमेठी सीट छोड़ने पर भाजपा पार्टी राहुल पर हमलावर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका मोर्चा संभाल लिया है। पश्चिम बंगाल में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने पहले ही बता दिया था, शहजादे वायनाड में हार के डर से अपनी दूसरी सीट खोज रहे हैं, अब इन्हें अमेठी से भागकर रायबरेली सीट चुननी पड़ी है, ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत, मैं भी इन्हें यही कहूँगा, डरो मत भागो मत। और राहुल गांधी अमेठी सीट छोड़ दिए, वजह क्या रही? वजह साफ साफ है, स्मृति ईरानी 2014 में वहाँ राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ी, हार गई, लेकिन हारने के बावजूद भी वो राहुल गांधी से ज़्यादा एक्टिव रही अमेठी में, और यही वजह रहा 2019 में अमेठी की जनता ने राहुल गांधी पर विश्वास नहीं जताया, विश्वास जताया स्मृति ईरानी पर। और लगातार जिस तरह से अमेठी में कार्य किए गए स्मृति ईरानी के द्वारा, उससे वहाँ की जनता को ये लगा कि गांधी परिवार अभी तक सिर्फ उन्हें उनके जो लोकसभा सीट है अमेठी और रायबरेली, इन्हें एक तरह से दास बनाए हुए था, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, गांधी परिवार के पास इतना फुर्सत नहीं था कि वो इन लोकसभा क्षेत्रों में डेवलपमेंट कार्य करे। और जो स्थानीय सरकार होती थी वो समझती थी कितना भी काम कर लो ये सीट पर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और इसी का शिकार ये दोनों जिला रहा, दोनों लोकसभा सीट रहा। लेकिन स्मृति ईरानी के बाद जो है माहौल बदला, डेवलपमेंट हुए, बहुत सारे कार्य हुए अमेठी और रायबरेली में, और यही वजह रही कि राहुल गांधी के लिए ये निश्चित हो गया कि अमेठी में अब विजय पाना बड़ा ही मुश्किल है। रायबरेली सीट वहाँ पर भी बीजेपी ने ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारा है, यही वजह है कि राहुल गांधी अपने आप को ज़्यादा सेफ महसूस कर रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह, जिन्हें बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, योगी गवर्नमेंट में वो राज्य मंत्री भी रहे हुए हैं, 2019 के चुनाव में सोनिया गांधी ने उन्हें 1,67,000 वोट से हराया था, और यही वजह है, एक अंतिम आस है रायबरेली को लेकर कि यहाँ पर मजबूत उम्मीदवार नहीं है, यहाँ पर तो हम हरा ही देंगे बीजेपी को, और यही वजह है अमेठी सीट से कोई भी गांधी परिवार का मेंबर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर सका। चर्चा चल रही थी कि रॉबर्ट वाड्रा, जो कि प्रियंका गांधी के हस्बैंड हैं, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उन पर भी विश्वास नहीं जताया, वो रिस्क नहीं लिया गांधी परिवार कि ऐसा ना हो कि ये जाएं और फिर से नाक कट जाए। तो बता दें आपको हम कि प्रियंका गांधी को भी वो सीट नहीं दिया गया, और अंततः राहुल गांधी भी अमेठी सीट छोड़कर रायबरेली शिफ्ट हो गए हैं। तो आपको बता दें कि अब इसमें क्या कहा जाए, लगता है स्मृति ईरानी का चुनावी खौफ था राहुल गांधी को, और उन्हें पता था कि जमीन खिसक चुकी है, कितना भी हाथ पैर मारा जाए अब कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए उन्होंने रायबरेली सीट को चुना है। और प्रधानमंत्री ने भी तंज कसा है कि ये लोग जो कहते हैं कि डरो मत, मैं कह रहा हूँ डरो मत भागो मत, वायनाड से जीतने की संभावना नहीं है, और यही वजह है
कि ये दूसरी सीट के तलाश में थे और अंततः रायबरेली वो सीट मिला। तो देखिए राहुल गांधी रायबरेली के लिए क्या करते हैं, क्या स्थिति रहती है, दिनेश प्रताप सिंह वहाँ पर कितना मुकाबला कर पाते हैं, क्या राहुल गांधी विरासत को बचाने में सफल रहते हैं नहीं, ये रायबरेली सीट स्थापित करेगा वहाँ से उनकी जीत। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।